अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब कैरियर होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये हमारी रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स हैं, जिसमें मैंने 1 kg बीफ ले लिया, 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे उनका पेस्ट बना लिया, 1/2 कप दही ले ली थी इसको मैंने अच्छी तरह से पेंट लिया, और 3 tbsp अचार गोश्त का मसाला ले लिया, 2 tbsp लहसुन अदरक का पेस्ट, और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ले लिया। इनमें भी मैंने ये अचार गोश्त का ही मसाला भर दिया। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जो रेसिपी को शुरू करते हैं, सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो जो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको 1 मिनट तक ऐसे फ्राई कर लेते हैं, फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो देखें 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। लहसुन अदरक की एक बार भुनाई कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो जो इसको भी 1 मिनट हो चुका है, इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं, और अब साथ ही हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे अचार गोश्त का। इसको भी एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। पहले फ्लेम को लो कर लेते हैं, अब दही ऐड कर देंगे। तो अब हम फ्लेम को फिर से मीडियम पे ले आते हैं, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। इसकी अब हम इस तरह मसाले में तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है फिर से। अब इसकी बस 5 से 7 मिनट तक भुनाई करते हैं अच्छी तरह से, और फिर हम इसको वेट लगा देंगे। तो जो और देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, भुनाई हो गई है इसकी, और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो जो है इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट का वेट लगाएंगे, और फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो है देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देखते हैं हमारा गोश्त गल चुका होगा। तो जो देखें ये गल चुका है अच्छा खासा। तो अब हम इसे कढ़ाई में निकाल लेते हैं, और फिर आगे अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो देखें कढ़ाई में निकाल लिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार, और अब साथ ही हम इसमें ये जो टमाटर का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे अच्छी तरह से।
बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है अभी से। फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और इसको ढक्कन बंद करके पका लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। तो जो देखें से पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और हमारा गोश्त तो गल चुका है, बस अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमने जो इसमें टमाटो पेस्ट ऐड किया उसका हमने पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना, और फिर जो हमने जो ग्रीन चिलीज ली थी हरी मिर्चें उनको इसमें ऐड करके दम लगा देंगे। तो बस अब इसका पानी ड्राई होने देते हैं। तो जो देखें पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करके इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और फिर इसको डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो जो देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और सिंपल सा बीफ अचार गोश्त रेडी है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।